भागलपुर में सोमवार सुबह एक घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा खरमनचक स्थित नागरमल मॉल के सामने एक रेस्टोरेंट में हुआ है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहले शॉर्ट सर्किट से आग भड़कती है और जब दो लोग आग बुझाने के प्रयास में गेट के पास पहुंचे तो सिलेंडर में विस्फोट हो गया। वहीं इस दुर्घटना में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान किशन कुमार झुनझुनवाला और उनके पुत्र कन्हैया कुमार और प्रसून झुनझुनवाला के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वहीं धमाके से आसपास के घरों में दरारें भी आ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में आग लगने और विस्फोट का क्रम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दरअसल इस हादसे ने इलाके में भय और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस और प्रशासन मामले की छानबीन कर रही है। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में पता चला कि यहाँ पर जो है ये घटना हुई है, तो उसके पहले जो जो आदमी आए गए उनसे जो बात हुई, उन्होंने देखा कि 5 बजे यहाँ पर जो है पता चला उन लोगों को, जो लैंडलॉर्ड थे, जो होटल वाले थे, कि यहाँ पर आग लगी है सिलेंडर में। जब वो खोलने के लिए आए तो हम लोगों के सामने देखा कि आग का भवाड़ा फूटा और एक आदमी सामने फेंकाया। उसके बाद जो है उसके 2 आदमी का हुआ इंजर्ड, एक बेटा एक पिताजी। और बाद में हम लोगों ने देखा कि सिलेंडर है, यानी आग 2 बार निकली, एक हल्की आग निकली और दोबारा जो है बहुत जोर आग निकली। फिर यहाँ पर हम लोग देखा कि एक जो है लगभग जो स्पॉट डेड है और एक इंजर्ड है, और सिलेंडर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अभी कि ये यानी कि बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। धमाका सिलेंडर की घटना है। कितने आदमी है, मतलब 2 आदमी का यहाँ पर है। एक आदमी तो हम लोग को जानकारी है कि वो जो है बिल्कुल स्पॉट डेड हो गए, और एक जो पिताजी जो है किशन बाबू इंजर्ड है। पुलिस की गाड़ी आई, फिर आग बुझाने वाली गाड़ी 2 मिनट के अंदर आ गया। गाड़ी यानी कि ये जो है ना प्रशासन बहुत एक्टिव रहा। प्रशासन का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने कोई भी टाइम नहीं लगाया। और ये फिर हम लोगों ने सीसीटीवी जो सामने घर में लगा हुआ था उसमें देखा कि ये घटना किस तरह घटी है, जो हम लोग को जानकारी मिली। और सब ये पब्लिक सब यहाँ अगल बगल वाले बताएंगे, हम लोग थोड़ा दूर में रहते हैं, बस यही आज का नॉलेज है। सुबह घर से निकला था, जा रहा था फुलौत के लिए, फुलौत के लिए जा रहा था। तो चौसा से है, पहले भटगामा पड़ता है, भटगामा के पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है। इसका मेरे पापा का नंदन सिंह, हाँ 72 वर्ष के। भागलपुर जिले के नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 4 अपराधियों को हथियार और तलवार के साथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल यह घटना गौरा दोह तालाब के पास हुई, जहां अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में एकत्र हुए थे। दरअसल भवानीपुर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी रामनिवास उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तालाब के किनारे कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही सतियारा निवासी और टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल मुन्ना मंडल फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके से 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों में शशि कुमार, विकास कुमार, नीरज सिंह और अंकित आजाद शामिल है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और तलवार बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। वहीं चर्चा यह भी है कि इलाके में जलकर दोहों में मछली पकड़ने और मटन पार्टी के लिए पूजा के नाम पर सभी अपराधी एकत्र हुए थे। फिलहाल 4 अपराधियों के खिलाफ भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस फरार अपराधी मुन्ना मंडल की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिनांक 23/11/24 को समय करीब 10:20 बजे गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और भवानीपुर पुलिस के संयुक्त छापामारी के दौरान भवानीपुर स्थित गौरा बहियार दोह जलकर के किनारे से शशि मंडल, विकास कुमार, अंकित कुमार सिंह, आजाद सिंह एवं नीरज कुमार को 2
देसी मास्केट एवं एक देसी कट्टा तथा दो मोबाइल एवं एक खोखा तथा दो जिंदा गोली एवं तीन तेज धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में 76वें एनसीसी दिवस के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी ने FWG गतिविधियां आयोजित की, जिसमें एनसीसी के महत्व को रेखांकित करने और अटूट समर्पण के लिए सभी की सराहना की गई। इस अवसर पर DGNCC द्वारा एनसीसी दिवस संदेश पढ़ा गया, जो एनसीसी के उद्देश्यों और योगदान को उजागर करता है। इसके अलावा सभी महाविद्यालयों में CDTS के बीच भाषण, ड्राइंग और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं एनसीसी कैडेटों ने नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया, जो विशेष रूप से देशभक्ति और एनसीसी के मूल्यों पर जोर देते थे। इन कार्यक्रमों ने न केवल दर्शकों का मन मोह लिया, बल्कि कैडेटों को समर्पण और गर्व के साथ देश की सेवा के लिए प्रेरित भी किया। जो एनसीसी डे है, जो हर साल नवम्बर के चौथे रविवार को मनाया जाता है, तो हम लोग टू बिहार गर्ल्स बटालियन में उसी एनसीसी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस एनसीसी डे सेलिब्रेशन में हमने दो चार कॉम्पिटिशन रखा है। एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, थीम एनसीसी डे ही बेस्ड है। एक स्पीच कॉम्पिटिशन था, हमने सोलो डांस कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन है, सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन है और एक छोटा सा क्विज कॉम्पिटिशन भी कराएंगे। नवयुग विद्यालय ने अपनी 80वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाते हुए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस वार्षिकोत्सव को विशेष बनाने के लिए स्कूल के छात्रों ने अपनी कला और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वार्षिकोत्सव का उद्घाटन स्कूल प्रबंधन और विशेष रूप से आमंत्रित अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे वातावरण में एक आध्यात्मिक और शुभ माहौल बना। इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय ने अपने पूर्व छात्रों और शिक्षकों को भी आमंत्रित किया, ताकि वे विद्यालय की गौरवशाली यात्रा का हिस्सा बन सके और पुरानी यादें ताजा कर सके। जिसके बाद आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जहां बच्चों ने अपने नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुति से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम ने न केवल विद्यालय के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी उजागर किया है। विद्यालय के 80 वर्षों की इस यात्रा ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सिद्ध किया है। यह वार्षिकोत्सव विद्यालय के गौरव और उज्जवल भविष्य की झलक प्रस्तुत करता है। तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और याद करता हूं इस स्कूल की ऐतिहासिक परंपरा को, जो कि पिछले 80 सालों से शिक्षा के साथ साथ यहां के छात्रों में संस्कार भी दे रही हैं। हम लोग अपने बचपन से इस स्कूल की उत्कृष्टता को देखते और समझते आए हैं। हमारे जानने वाले बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनकी पढ़ाई यहाँ से हुई और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया। दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत सबौर गांव में 1994 से चला आ रहा जमीन विवाद अब भी समाप्त नहीं हुआ है। इस विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
पहले पक्ष की रानी देवी ने कहा कि विवादित जमीन उनके ससुर गणेश पुद्दार के नाम पर है। उनका दावा है कि जमीन का मालिकाना हक उन्हीं का है और दूसरी पार्टी गलत तरीके से इसे अपना बता रही है। रानी देवी ने आरोप लगाया है कि सबौर पुलिस और रेवेन्यू अधिकारियों की मिलीभगत से यह मामला उलझाया जा रहा है। जबकि दूसरे पक्ष के राजीव राज ने बताया कि वे इस जमीन की रसीद 2012 से नियमित रूप से कटवा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन उन्हें CIA के माध्यम से दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी इस जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो चुकी है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन विवाद का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। रानी देवी ने प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है, जिससे मामला और उलझता जा रहा है। वहीं इस जमीन विवाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और दोनों पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। जबकि मामले को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भागलपुर में DDC की एक बैठक के दौरान डॉक्टरों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला गर्मा गया है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर को हुई बैठक में प्रखंड और जिला स्तर के चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बैठक के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी को अनुचित तरीके से तुम और ताम कहकर संबोधित किया गया, साथ ही महिला चिकित्सा पदाधिकारी के साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया गया। इसके अलावा एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को तेज आवाज में डांटते हुए बैठक से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद के नेतृत्व में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डॉक्टरों ने DDC से सामूहिक माफी मांगने की मांग की है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उन माफी नहीं मांगी गई तो वे भविष्य में DDC की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने डॉक्टरों के इस आक्रोश को जायज ठहराते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। DDC सर, कुछ आप ही के साथ अब शब्द बोले थे, क्या क्या मामला था सर? अब उतना थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा सा बता, आप अपना पक्ष थोड़ा सा रखें ना सर। वहाँ जाने दीजिए। आप कहाँ के प्रभारी हैं सर? शाकुन जयप्रकाश सिंह नाम हुआ। क्या हुआ था? तो भाई और सब प्रभारी थे, प्रिपेटरी वाले भी थे, थोड़ा सा अब सब तो मीटिंग से निकाल दिए। ये सब था, ये काम का प्रगति के बारे में बातचीत किए थे, उसी में मैंने कुछ ऊंची आवाज में बोले। तो खैर मतलब काम करने का तरीका है, अगर मन लिया कि हम लोग नहीं उस तरह से बोलेंगे तो लोग काम भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैंने कुछ नरम होता है कुछ गर्म होता है काम करना है। कुछ DM से सब मिलने गए थे, बोले ठीक है अपना जो भी मतलब उपलब्धि कम है उसको इम्प्रूव कराइए और इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। मैं नरम होकर के काम करने में तो कुछ गर्म भी होना पड़ता है, तभी काम आगे निकलता है।